नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडी जैक। जनपद आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश की लगी गोली, एक बदमाश मौके से फरार। बदमाश का नाम प्रदीप गुप्ता बताया जा रहा है। बस हाईजैक के मामले में प्रदीप गुप्ता का नाम आ रहा था सामने। पुलिस ने घायल प्रदीप गुप्ता को कराया अस्पताल में भर्ती। पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम बदमाश से पूछताछ में जुटी। पुलिस को बाकी बदमाशों की तलाश जारी। थाना मलपुरा के न्यू दचड़ी बाईपास पर बदमाशों ने किया था बस को हाईजैक। थाना फतेहाबाद क्षेत्र में हुई मुठभेड़। समाज एडिजेट के लिए आगरा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। जो घटना हुई थी, जिसके क्रम में मुख्य अभियुक्त प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें फिरोजाबाद, इटावा और अपने जयपुर आदि इलाके में, फतेहाबाद इलाकों में भ्रमणशील थी। पूरी रात भर चेकिंग और जानकारी करने के उपरांत जो है आज सुबह करीब 5 बजे हमारी टीम, जिसमें कि क्राइम ब्रांच की टीम है, एसओजी की टीम है, थाना फतेहाबाद की टीम है, मलपुरा की टीम है, उनके साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। ये जो आप देख रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल पर दो अपराधी प्रदीप गुप्ता और उसका साथी यतेंद्र यादव, ये दोनों आ रहे थे। घेराबंदी में उन लोगों ने फायरिंग किया, जिसमें एक अभियुक्त प्रदीप गुप्ता जो मेन मास्टरमाइंड है, उसके गोली लगी है, उसको इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त जो है इधर खेतों में भागने में भाग गया है। हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो साथी इसके जानकारी में है उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने एक स्पेशल टीम बनाकर अभियुक्त जो घायल हुआ है प्रदीप गुप्ता, उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि अन्य इनके साथी और इनके जो गाड़ियां जिसने उपयोग किया है उन सभी की बरामदगी के लिए हमारी टीम लग गई है। ठीक।